ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 8 में उसे गिवन था जी कि एक ए मैट्रिक्स है दैट इज 1 2 0, बी एक मैट्रिक्स है 1 1 2 0, ठीक है। अब प्रूफ क्या करना है, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, इज सेट फॉर ट्रांसपोज, ठीक है। अब जरा देखिए, पहले लेफ्ट हैंड साइड पे लेते हैं ए प्लस बी होल ट्रांसपोज। मैंने ए प्लस बी पहले सॉल्व करके ब्रैकेट पे ट्रांसपोज लिख दिया, ऐड करने से ये बन जाएगा वक्त, ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ट्रांसपोज में क्या होता है कि कॉलम रो बन जाते हैं, कॉलम रो बन गई, यहाँ भी कॉलम रो बन गई, रो कॉलम बना ले, कॉलम रो बना ले, बस पोजिशन चेंज कर। अब राइट हैंड साइड ले ली, राइट हैंड साइड में ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज दोनों का ट्रांसपोज ले लिया। ट्रांसपोज के केस में ये क्या हो जाएगा, 1 इस तरह 1 0 2 1, वो देखिए 1 0 2 1, और ये क्या हो जाएगा 1 2 1 0 1 2 1 0, ऐड करने से 2 2 3 बन गई, तो बराबर हो। देखिए इसको, देखिए इसको, देखिए दोनों बराबर हो गए यूजिंग वन एंड टू। लेफ्ट हैंड साइड में बी इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब मैं आपको उससे सेकंड क्वेश्चन इसका साथ ही भी करवा देता हूँ, ये वीडियो भी आप साथ साथ देखते जाए। अब सेकंड पार्ट को हम ले लेते हैं, उसके हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सॉल्व कर लें। अब आप जरा देखें सेकंड पार्ट के अंदर लेफ्ट हैंड साइड क्या, लेफ्ट हैंड साइड आ रही है। अब हम प्रूव करने लगे वो तो ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, इसको हम सॉल्व करेंगे। सो इसकी आपकी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड इसकी क्या बनेगी, लेफ्ट हैंड साइड इसकी बनेगी ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज। सो व्हाट इज ए, 1 2 0, व्हाट इज बी, 1 1 2 0, पहले इनका माइनस कर लेना, देन इसका ले लेना ट्रांसपोज। माइनस करें 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 0 माइनस 2 माइनस 2, 1 माइनस 0 1, ट्रांसपोज में 0 माइनस 2 1 1, तो ये ऐसे कन्वर्ट होकर ये ऐसे टेक इट एज वन। राइट आंसर ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ओके। व्हाट इज इट, 1 2 0 ट्रांसपोज, व्हाट इज बी, 1 1 2 0 ट्रांसपोज। ऑल राइट, इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी शुड डू, दोनों का ट्रांसपोज अपने लिए ये जाना जी 1 0 2 1, अच्छा उसके अलावा इसका ट्रांसपोज लेनी हो जाएगा 1 2 1 0 माइनस ले 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 2 माइनस 2, 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 0 1, वही तो मैच कर लो। तो देखिए ये इसके साथ क्या करके मैच कर, सो यूजिंग 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब इसके बाद इसके सेकंड और थर्ड पार्ट, थर्ड और फोर्थ पार्ट है, बल्कि अभी ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ पार्ट है विच आर क्वाइट इंटरेस्टिंग, ठीक है जी। तो वो मैं अभी आपको करवाता हूँ, यहाँ पर भी आप इसको हम पॉज करते हैं और फिर मैं पूछ। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सिर्फ इस टॉपिक को पढ़ लेंगे कि सिमेट्रिक क्या होती है, जो एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होती है और स्क्यू सिमेट्रिक कब होती है, ठीक है। सर इतना पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड जो चार पार्ट है क्वेश्चन नंबर 8 के, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करवाऊंगा, वो मैं आज नहीं करवाऊंगा। इंशाल्लाह मंडे वाला लेक्चर जो होगा आपका, उसके अंदर मैं आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 4, 3, 4, 5, 6, ये मैंने चारों पार्ट फिर आपको करवाऊंगा मंडे वाले दिन, अलॉन्ग विद फिर 1.4 के कुछ बेसिक्स होंगे। तो अभी आप जरा देखिए, हमें इतना ज़रूर पता चल जाना चाहिए कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक होता क्या है। देखिए एक मैट्रिक्स मैंने ले ली 2 0 0 2, ये एक मैट्रिक्स लेट्स, ठीक है जी। तो ये 2 0 0 2 की जगह 2 1 1 2 ले लो, ठीक है। मजे मतलब ये एक मैट्रिक्स है जी 2 1 1 2, एक ही बात है, वो भी ठीक थी, ये भी ठीक थी। सर मैंने ये चेंज इसलिए किया कि आपके जिन में हो गया है कोई पर्टिकुलर मैट्रिक्स लिख दिए जिसमें जीरोज आ रहे हैं। बहरहाल इस तरीके से एक मैट्रिक्स है 2 1 1 2, आपने इसका ले लिया ट्रांसपोज, क्या कंसिडर कर लिया इसका ट्रांसपोज, आपने ट्रांसपोज लिया 2 1 1 2 लिखा है, यह कब 2 1 इस शेप में चला जाएगा और ये वाला भी 1 2 इस शेप में चला जाएगा, ये दोबारा कोई मैट्रिक्स बन गई ओरिजिनल। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने से भी दोबारा वही मैट्रिक्स बन जाती है तो ऐसी मैट्रिक को सिमेट्रिक कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। दिस मैट्रिक्स नोन एज सिमेट्रिक
मैट्रिक्स. नाउ व्हाट इज क्यू सिमेट्रिक? अगर एक डी मैट्रिक्स है, ये मैंने लिखी है, आप इसका ट्रांसपोज लेते हैं, ठीक है, चेक कर लेते हैं इसका क्या लेते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं, ट्रांसपोज ले लिया. जब आपने ट्रांसपोज लिया तो आपने देखा कि साइन अपनी जगह चेंज कर गया. देखा जब मैं इसको ऐसे लिखूंगा ये बन जाएगा, इस वाले को ऐसे लिखूंगा ट्रांसपोज लेते हो, तो आप जरा देखें कि ये इसके बराबर नहीं है. कैसे? क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रहा था, यहाँ पे प्लस आ रहा था, जबकि यहाँ पे माइनस आ रहा है, यहाँ पे प्लस आ रहा है. मैंने माइनस कॉमन ले लिया इसमें से. जब मैंने माइनस कॉमन लिया तो जीरो में से और जीरो में से माइनस कॉमन लेने से फर्क कोई नहीं पड़ता, क्योंकि ये न्यूट्रल नंबर है. तो ये क्या हो जाएगा, ये टू हो जाएगा, और ये दोबारा से क्या हो जाएगा, माइनस टू, माइनस कॉमन लेने से. अगर ट्रांसपोज मैट्रिक्स के माइनस के बराबर हो जाए, नेगेटिव ऑफ पी, कोई भी गिवन मैट्रिक्स आपको गिवन है और आप उसका ट्रांसपोज लेते हैं और वो उसके नेगेटिव के बराबर हो जाती है, तो ऐसी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक्स कहते हैं. स्क्यू सिमेट्रिक, एस ए ई यू ई डब्ल्यू, और आगे आ जाएगा साइमेट्रिक. दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन साइमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक. पहले तो ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि ये साइमेट्रिक क्या होता है और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है. पता लग गया जी सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक क्या होती है? जब ये पता लग जाएगा तो आपके लिए फिर आगे 3, 4, 5, 6 पार्ट करना आसान. थैंक यू सो मच बेटा, अल्लाह हाफिज़.